इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट से ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और अब बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में मिल गई है। 20 अक्टूबर तक के लिए उनके हिरासत को बढ़ाया गया था, लेकिन अब बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को मिल गई है। इस केस में उन्हें जमानत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था इस मामले में, आपको याद होगा, और अब जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक अब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आ सकती हैं। रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी हालांकि खारिज हो गई है। रिया को जहां जमानत मिल गई है वहीं भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को मिल गई। जी, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है, लेकिन शौविक जो उनके भाई है उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है इस पूरे मामले में। तो रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि रिया को जमानत मिली है 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर। अब देखना होगा कि जो उनकी शौविक के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनका अगला कदम क्या होता है शौविक को लेकर। दीपक, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, ये समझना बेहद जरूरी है, फैसला सुरक्षित रखा गया था पहले। जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई, इस पूरे मामले में हेयरिंग पहले हो चुकी थी। आज बस महज सेट साहब जो बैठे तो उनका साफ तौर पे बस आज फैसला सुनाया जाना था उनके द्वारा। और उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया इस पूरे जजमेंट को, तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली। हालांकि पूरी अभी जानकारी कुछ ही समय के बाद और आ पाएगी कि किन किन बेसिस पे रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली हुई है, लेकिन जिस तरह से रिया के वकील सतीश माने शिंदे लगातार यह दावा कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे कोर्ट में कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं एनसीबी के द्वारा बताने की कोशिश की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें साफ तौर पर था कि सुशांत केस से जुड़ा हुआ तमाम कोई भी केस होगा उसकी जांच महज सीबीआई ही करेगी। जी, ऐसे में एनसीबी के द्वारा जिस तरह से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई, जबकि रिया चक्रवर्ती के पास से कोई भी जो ड्रग था वो बरामद नहीं हुआ। जी, यानी कि बरामदगी कोई नहीं हुई और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाया रिया के वकील ने उन्हें जमानत देने के लिए कोर्ट को। ये बताइए दीपक कि अब क्योंकि शौविक को यहां पर नहीं मिली है जमानत, कि क्या कहकर उनकी याचिका को खारिज किया कोर्ट ने। जी, लगातार एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा ये अपलोड किया जा रहा था कि इस मामले में शौविक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस को लेकर। और आपको बता दें कि शौविक और सैमुअल मिरिंडा की इस पूरे केस में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी और शौविक के जो कनेक्शन थे और जो पूछताछ हुई थी उसके माध्यम से कई सारे बड़े पैडलर और कई सारे नाम सामने आए थे और जिसकी वजह से गिरफ्तारियां भी हुई थी। ऐसे में जब शौविक अगर जेल से बाहर चले जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी एनसीबी के लिए, क्योंकि एनसीबी जिस तरह से अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है कहीं केस को हार्म ना हो, इस वजह से शौविक की जमानत याचिका खारिज की जाए। ये लगातार दलील रही है एनसीबी के जो वकील हैं उनके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। तो ऐसे में कोर्ट ने शौविक की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी और रिया चक्रवर्ती को हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी राहत मिली है और रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें अब जमानत मिल गई है। जी, यानी निजी मुचलके पर जमानत उन्हें मिली है 1 लाख के निजी मुचलके पे, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन एनसीबी इस मामले को जिस तरह से ले रही थी दीपक, लगातार वो चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे रिया की जमानत अर्जी को, क्या कुछ कोर्ट में एनसीबी का कहना था? रिया, क्योंकि निचली अदालत से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, हाई कोर्ट में क्या बातें उनके फेवर में गई जिसकी वजह से जमानत अर्जी मिल गई? जी, जो सतीश माने शिंदे हैं रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो लगातार इस मामले में दलील दे रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के पास से जिस तरह से ये पूरा ड्रग का मामला सामने आया और रिया चक्रवर्ती को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती के पास से कोई भी ड्रग सीजर नहीं किया गया है एनसीबी के द्वारा। महज उन्होंने साल 2017 की उस बात का भी उसमें जिक्र है कि
गौरव आर्या से जो चैट में बातचीत हुई थी महज वो बातचीत थी, लेकिन ना ही उन्होंने कोई कंजम्पशन लिया हुआ है और ना ही उन्होंने उनके पास से कोई भी सीजर बरामद हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुशांत सिंह मामले की जांच के लिए सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा था, तो लगातार ये दलील दी गई एनसीबी के सतीश माने सिंधे के द्वारा कि जब कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करनी चाहिए तो आखिर दूसरी एजेंसी इस पूरे केस की जांच की कैसे कर सकती है। और ये सबसे बड़ी दलील दी गई थी और महत्वपूर्ण ये है कि अगर सीजन नहीं हुआ है और हमारी जो क्लाइंट है रिया चक्रवर्ती वो इस पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और वो पहले दिन से चाहे वो मुंबई पुलिस हो चाहे वो बिहार पुलिस हो चाहे फिर सीबीआई या अन्य एजेंसीज हैं उनको वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, वो समय समय पर कोर्ट एजेंसीज के सामने आने के लिए तैयार है, तो आखिर क्यों उन्हें बेल ना दे दी जाए। बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ा आश्वासन कोर्ट में यही दिया जाता है कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं जो भी आरोपी हैं और रिया के केस में भी वही हुआ है। ये मुझे बताइए दीपक कि अब आगे के लीगल कोर्स की अगर हम बात करें तो सतीश मान शिंदे या फिर रिया के पिता ने बताया कि अब आगे क्या लीगल कोर्स लेंगे, क्योंकि अभी शौविक जो है उसकी जमानत अर्जी नहीं स्वीकार की गई है। जी कुछ ही समय के बाद अभी जब वकील सतीश माने शिंदे से हमारी बातचीत होगी तो इस आगे की जो उनकी रणनीति होगी खासतौर पर शौविक चक्रवर्ती के लिए वो क्या कुछ कहते हैं और आगे जिस तरह से एनसीबी ने जिस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया उस पर भी कर रहे थे। आज जजमेंट था, सब बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को आर्ग्यू होके आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए रखा है। कोर्ट ने दो अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और तीन लोगों को बेल ग्रांट कर दी है जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और दो लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जैद विस्तार करके, उन दो लोगों की बेल अब्दुल बासित, उनकी दो लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस है वो सारे नॉन अवेलेबल है, अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते, पर फिलहाल तीन आरोपियों को बेल दे दी। सर आपने जिस तरह जजमेंट भी सुना होगा, जो दो एक्यूज हैं बात करें शोवी की बात करें विशेष पर उनको रिजेक्ट कर दिया, आप सुनिए क्या आधार क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने आधार तो नहीं दिया है क्योंकि वो तो रीजनिंग देखनी पड़ेगी क्या कारणों से उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, पर कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया, पांच में से तीन लोगों को अलग कर दिया है, दो लोगों को अलग किया है। हमारा ऐसा मानना है कि शायद कोर्ट ने उसमें फाइनेंसिंग वाला 27A का सेक्शन होल्ड किया होगा, वो हिसाब से बाकी तो जजमेंट आएगा तो ही पता पड़ पाएगा कि क्या रीजनिंग के ऊपर रिजेक्ट किया गया। जो केस था जिस तरह से आप देख रहे थे ऑनलाइन, अभी रिया को भी आप कह रहे तीन एक्यूज जो थे उनको बेल मिला, क्या आधार रिया को क्या कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा, आपके जो जो रिप्रेजेंट जिसको कर दीपेश और किस आधार पे छोड़ा गया, क्या कुछ उनसे कहा गया? तीनों आरोपियों को 50,000 की जमानत पे छोड़ा है विद वन और टू श्योरिटीज के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि पेंडेमिक सिचुएशन है तो कैश बेल के लिए ये करिए, एजी ने कोर्ट के ऊपर छोड़ा, कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया और कैश बेल डिपॉजिट पर हमारे ऊपर कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट लगाई गई है, हमें पासपोर्ट जमा करना है, तीनों आरोपी को पासपोर्ट जमा करना है, तीनों को हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में और उनको मुंबई के बाहर जाना होगा तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन आयोग। कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई थी, लगभग आप देख रहे जैसे केस की सुनवाई के बाद जैसे एनसीबी ने कार्रवाई की, लगभग एक महीना बीत गया जज जेल में, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत आप लोग के लिए क्या सकती है आपके? जब आरोपी को बेल मिल गया तो ये सबसे बड़ी जीती हो गई है, पर उस जजमेंट को भी देखना पड़ेगा क्या कारणों से और क्या कोर्ट ने हेल्ड किया हमारे फेवर में, वो जजमेंट आने पे ही पता चल पाएगा। एनसीबी ने आपके क्लाइंट को अरेस्ट किया था, क्या आधार उन्हें दिया था, क्या उनके पास से क्या मिला था? उन्होंने दीपेश सावंत के पास से कुछ भी मिला नहीं, ना ही कभी एनसीबी का केस है कि उनसे कुछ मिला है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर वो रिलाय कर रहे हैं कि जैसे उनका केस ही ये था कि जब भी कोई पार्सल आता था तो दीपेश सावंत को बोला जाता था कि बिल्डिंग के नीचे से कलेक्ट कर लो, कोई बाकी वो बट ऑब्वियस है वो जिसके पास काम करते थे उनके वहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस पे वो कलेक्ट करते थे। हमारा केस पहले से भी ये रहा है कि ना हम परचेसर है ना सेलर है ना हमारा किसी चीज़ से फाइनेंस से भी कोई लेना देना है, आई एम जस्ट एम्प्लॉय हूँ मैं और जो उनके कमांड में आता था वो काम करते थे, उससे ज़्यादा उनका कोई रोल भी नहीं था उसमें। तो रिया के वकील को आप सुन रहे थे, पांच लोगों में से तीन की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया निजी मुचलके पर और बाकी दो यानी के शौविक और
अब्दुल बासित की याचिका को खारिज कर दिया गया और इस तरह से रिया को बड़ी राहत मिल गई है। 28 दिनों बाद वो जेल से बाहर आएंगी, हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही वक्त वक्त पे उन्हें थाने में जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी। तो तमाम वो शर्तें और लगातार हमारे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं, हम और ज्यादा डिटेल्स इस पर आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।